हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपको इस वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है मानव प्राय, अब तक हिंदटेक वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉर्वा स्वेज के बारे में। जो कॉर्वा स्वेज है दोस्तों, उसका वर्जन 9.0 अवेलेबल हो गया है शाओमी MI A2 उसके साथ शाओमी MI 6X डिवाइस के लिए। सो दोनों डिवाइस दोस्तों सेम है। दोनों डिवाइस का ही दोस्तों डाउनलोड लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। वहाँ पर जाकर आप कॉर्वा स्वेज 9.0 को डाउनलोड करके देख सकते हो अपने शाओमी MI A2 एंड MI 6X डिवाइस के अंदर। मेरे पास जो दोस्तों डिवाइस है शाओमी का MI A2 एंड इसके अंदर जो कॉर्वा स्वेज है उसका ऑफिशियल बिल्ड अवेलेबल हो गया है। पहले बता देना चाहूंगा दोस्तों, इसका जो अनऑफिशियल बिल्ड है बहुत पहले अवेलेबल हो गया था, लगभग एक वीक पहले, बट मैंने उसका वीडियो नहीं डाला क्योंकि अनऑफिशियल बिल्ड था। ऑफिशियल बिल्ड के अंदर दोस्तों अच्छे से टेस्टिंग हो गया, जितने भी बग है सब कुछ फिक्स होके अप्लाई होता है, अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैंने ऑफिशियल बिल्ड का डायरेक्ट वीडियो किया है। सो इससे पहले दोस्तों मैं कॉर्वा स्वेज का बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ। 8.5 का किया था, 8.5 रिलीज नहीं हुआ था MI A2 डिवाइस के लिए, बट Redmi Note 4 के लिए हुआ था, तब मैंने वीडियो किया था। कॉर्वा स्वेज 8.0 रिलीज हुआ था MI A2 डिवाइस के लिए, तब मैंने वीडियो किया था। बाय द वे दोस्तों, कॉर्वा स्वेज 8.0 के बाद डायरेक्ट 9.0 आया है, 8.5 MI A2 डिवाइस के लिए अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका माय डिवाइस के अंदर, उसके बाद एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, एंड्रॉइड वर्जन जो है दोस्तों फिलहाल एंड्रॉइड 10 है। एंड्रॉइड 11 ऑलरेडी होपफुली नेक्स्ट वीक के अंदर और कुछ ही वीक के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 के साथ कॉर्वा स्वेज देखने को मिलेगा। 9.0 एंड गेम ऑफिशियल बिल्ड है शाओमी MI A2 डिवाइस के लिए। एंड डिवाइस नेम देख पाओगे एंड जो मेंटेनर है, मेंटेनर का नाम भी आप देख पाओगे। सबसे पहले इस बिल्ड के अंदर आपको 5th of September 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया बात है। जो कर्नल यूज किया गया है दोस्तों, स्टॉक कर्नल यूज किया गया है 4.4 शाओमी का SDM606 कर्नल, जो स्टॉक कर्नल हमें मिलता है उसे यहां पर यूज किया गया है। एंड बाकी बात कर ले दोस्तों इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर क्या क्या नया हमें यहाँ पर मिलता है। सो कॉर्वा स्वेज 9.0 का जितनी फीचर है दोस्तों इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर डाल दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो आपको QS मतलब जो टाइल्स मिलती है, जो ऊपर आपको स्ट्रेस बार मिलती है दोस्तों, इसे अपडेट करके दिया गया है। स्पेशली जो येलो प्लेन मोड है दोस्तों, जो आपका डार्क मोड है, जो डेटा सेवर है, जो फ्लैश लाइट है दोस्तों, वो नया देख पाओगे, नया वाला आपको आइकॉन मिलेगा। यहाँ पर जो आइकॉन से इसे नया अपडेट करके दिया गया है। एंड जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हो, जो कि काफी बढ़िया हमें यहाँ पर मिलता है। नियर बाई शेयरिंग का ऑप्शन है, AOD का ऑप्शन है, म्यूजिक का ऑप्शन है। सो कुछ यहाँ पर जो आइकॉन है दोस्तों आपको नया नया मिलेगा, अगर आप चाहो तो यहाँ से अप्लाई करके देख सकते हो, मतलब इसे आप यूज कर सकते हो डेली लाइफ के अंदर, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है दोस्तों कैरियर ग्रुप विजिबिलिटी, इसका क्या काम हो सकता है दोस्तों। अभी तक जो मुझे लगता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आपका SIM 1 और SIM 2 है दोस्तों, तो यहाँ पर SIM 1 के लिए अलग से नोटिफिकेशन दिखाएगा एंड SIM 2 के लिए अलग से नोटिफिकेशन दिखा सकता है कॉल्स एंड मैसेज के लिए। बाकी अभी फिलहाल मालूम नहीं है दोस्तों कैरियर ग्रुप विजिबिलिटी किस तरह से काम करेगा। कुछ नया हेडर्स भी ऐड किया गया है एंड यहाँ पर से देख लेते हैं दोस्तों। ओके, हेडर इमेज के अंदर एंड स्टेटस कर लेना। स्टेटिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नया हेडर्स भी मिल जाएगी एंड यहाँ से आप चेकआउट कर लेना, कुछ नया आपको हेडर्स यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद मी 10 अल्ट्रा का जो FOD एनिमेशन है उसे पर्टिकुलरली ऐड किया गया है। एंड जो बैटरी डेटा का आइकॉन है दोस्तों, वो हमें आपको ब्यूटीफुली दिखाएगा। बैटरी डेटा का जो आइकॉन है उसे ऐड करके दिया गया है। एंड एरोप्लेन का जो आइकॉन है वो भी कुछ इस तरह से मिलता है। एंड आपको लाइव यहाँ पर अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन लोकेशन एक्सेस कर रहा है, कैमरा एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा है, तो ऊपर आपको दोस्तों कुछ इस तरह से देख पाओगे, आइकॉन बन के आ जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है, प्राइवेसी के लिए काफी बढ़िया है। यहाँ पर माइक्रोफोन लोकेशन कैमरा आपको ऊपर दिखा देगा। अभी मैं कैमरा के अंदर हूँ, कैमरा मेरा यूज हो रहा है, इसलिए आपको दिखा देगा यहाँ पर जो मेरा है कैमरा बैकग्राउंड में चल रहा है। सो इस तरह की फीचर आपको मिलती है। एंड आपको बैक एरो जो है दोस्तों, स्पेशली जो एज बैक एरो देख पाओगे दोस्तों, ये काफी इंप्रूव किया गया है इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों स्पेशली, एंड काफी बढ़िया है क्योंकि एंड्रॉइड 11 जस्ट आने ही वाला है कॉर्वा स्वेज के अंदर। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। जो सीरीज है दोस्तों, सीरीज को थोड़ा सा रीडिजाइन किया गया है एंड अभी फिलहाल बहुत ही बढ़िया हमें स्मूथली जो कॉर्वा स्वेज है वो देखने को मिलता है। एंड आई एम श्योर आप भी दोस्तों अगर इस फिल्म को फ्लैश करोगे, आपको भी बहुत ही मजा मिलेगा। एंड आप देख ही पा रहे हो जो आइकॉन से आइकॉन के अंदर जो स्पेस है, काफी बढ़िया हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और भी दोस्तों बहुत सारे आपको कुछ अंडरहुड चेंजेस मिल जाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया है। एक्चुअली दोस्तों जो कॉर्वा स्वेज 8.0 है एंड 9.0 के अंदर जो 8.5 है वो MI A2 डिवाइस के लिए नहीं आया था। सो 8.5 का जितने भी फीचर है दोस्तों ऑलरेडी MI A2 के अंदर 9.0 के अंदर डाल दिया गया है। इसलिए अगर आप कॉर्वा स्वेज 8.5 का Redmi Note 4 का वीडियो देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। मैं जितने भी कॉर्वा स्वेज का मैंने वीडियो बनाया हूँ, सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन का जो हर एक
कस्टमाइजेशन रॉम के अंदर होता है वही हमें मिलता है। यहाँ पर फ्लोस फोर्स क्लोज एनिमेशन, नॉइस एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, डिकार्ड एज लाइटिंग का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर स्क्रीन एनिमेशन ऑन ऑफ कर सकते हो दोस्तों, एंड स्कॉलिंग एनिमेशन, गेमिंग मोड, सस्पेंड एक्शन, सेंसर को ब्लॉक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर लॉन्च ऐप हुए न्यू कनेक्ट टू द ब्लूटूथ हेडफोन, एंड इस तरह की फीचर हमें मिलती है। यहाँ पर लॉक स्क्रीन शॉर्टकट के अंदर स्टेटस बार के लिए डबल टैप टू स्क्रीन टू स्लीप, चार्जिंग इन्फो विजुलाइजर के लिए हमें मिल जाती है, एंड यहाँ पर आप डायरेक्टली पावर फोन को रीसेट करके फिंगरप्रिंट के साथ ही अनलॉक कर सकते हो, वो भी फीचर हमें दिया गया है। बैटरी बार के लिए, लोकेशन एस्टिमेट करने के लिए, कैरियर लेवल के लिए है, एंड यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर AM PM दिखाने के लिए, डेट दिखाने के लिए, सेकेंड दिखाने के लिए, अलग अलग फोन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया कस्टमाइजेशन है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो बाकी कॉर्बस वे इसका वीडियो इसे चेकआउट कर लेना, एंड आई एम श्योर आप भी दोस्तों जानते हो कि अलग से बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कस्टम लोगो यहाँ से डाल सकते हो, नोटिफिकेशन काउंट करने के लिए यहाँ पर क्विक पुल डाउन है, स्मार्ट पुल डाउन है, यहाँ पर ऑक्सीजन वेस का जो क्लियर ऑल बटन है वो भी हमें यहाँ पर मिल जाती है, एंड जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद सेटिंग्स आइकॉन ऊपर है, जो सेटिंग्स आइकॉन देख पाओगे इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हो। ऑटो ब्राइटनेस जो आइकॉन आप देख पाओगे दोस्तों, ये जो ऑटो ब्राइटनेस आइकॉन है दोस्तों, ये एक्चुअली ऑक्सीजन वेस से लिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ब्राइटनेस स्लाइडर, यहाँ से आप एनिमेशन का जो स्टाइल है उसे अप्लाई कर सकते हो, जो रॉस रो पोर्ट्रेट कॉलम से उसे आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। ये सभी ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अलग से कुछ नहीं बताना चाहूँगा। बट यहाँ पर जो फॉन्ट से नया डाला गया है, अगर आप अपलोड डाउनलोड स्पीड को देखना चाहते हो ऊपर, तो यहाँ से आप अलाउ कीजिए, मतलब ऑन कीजिए, उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट को आप चेंज कीजिए, तो आपको जो अपलोड डाउनलोड स्पीड है वो दिखा देगा। काफ़ी यूजफुल फीचर है, आप यूज़ करके देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप बटन्स के लिए है, बटन्स के साथ आप चाहो तो वॉल्यूम, ये देखो दोस्तों जो वॉल्यूम पैनल है कुछ इस तरह से नॉर्मल स्टाफ है, एंड ये नेविगेशन के लिए, एंड ये आपका पावर मेनू जहाँ पर आप एडवांस रीस्टार्ट के साथ, मतलब पावर मेनू के साथ यहाँ से ही रिकवरी बुटलोडर के अंदर जा सकते हो। ये सभी ऑप्शन मैंने ऑलरेडी जो कॉर्बस वेस का लेटेस्ट वीडियो था उसके अंदर बता चुका हूँ। बट बात कर लेते हैं MI 2 के लिए अलग से क्या कस्टमाइज किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो लाइनेज वेस का आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलता था, इस पर्टिकुलर बिल्ड से हटा दिया गया है। अभी दोस्तों जो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिली गई दोस्तों, ये OnePlus का स्क्रीन रिकॉर्डर है, एंड यहाँ पर आपको 24 बिट रेट के साथ साथ 60 FPS को सपोर्ट करता है, एज वेल इंडियन ऑडियो को भी सपोर्ट कर जाता है। जो लाइनेज वेस बिल्ड था दोस्तों काफी बेकार था, अभी जो लाइनेज वेस का रिकॉर्डर एप्लीकेशन था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन काफी ज्यादा बेकार था, बट OnePlus का जो स्क्रीन एप्लीकेशन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन काफी बढ़िया लगा है मुझे, एंड इसे भी यूज कर सकते हो। OnePlus के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यहाँ पर यूज किया गया है। जो स्मार्ट चार्जिंग फीचर है उसे दोस्तों फिक्स करके दिया गया है, क्योंकि लास्ट टाइम वो काम नहीं कर रहा था, एंड मेंटेनर नेम का जो है, मेंटेनर नेम को दोस्तों यहाँ पर अबाउट सेक्शन के अंदर डाल दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात हमें लगी है, क्योंकि मेंटेनर बहुत ज्यादा मेहनत से एक रॉम को तैयार करता है, सो बहुत बढ़िया काम किया है। ये जो रॉम है दोस्तों, ये दो तरीके से अवेलेबल है। एक है वनीला वर्सन, जहां पर आपको GApps नहीं मिलता है, आप मन मुताबिक GApps को डाल सकते हो। दूसरा जो वर्सन है, जो कि आपको GApps के साथ मिलता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो GApps के साथ जो वर्सन मिलता है उसे ट्राई कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये जो पर्टिकुलर GApps है आपके रॉम की सबसे ऑप्टिमाइज किया गया है, एंड अगर आप दोस्तों अलग से GApps को डालते हो तो आपका जो रॉम है शायद बूट ना हो, आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं जो GApps वाला लिंक है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, डाउनलोड लिंक है CorvusOS 9.0 का, उसे चेकआउट कर लेना। एंड डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन है दोस्तों, MIUI का जो डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन वो मिलता है, इवन जो पोर्ट्रेट मोड है वो भी काम कर रहा है, काफी बढ़िया बात है। एंड जो ये देखो भाई सब वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ये प्रॉब्लम आती है, सो इसे फिक्स करने के लिए सेटिंग्स में जाइए, एंड यहाँ पर 60 FPS कीजिए, एंड अभी देखो दोस्तों 60 FPS कर दिया। फुल HD 60 FPS करने के बाद अभी जो हमारा वीडियो है काम कर रहा है, इवन जो शॉर्ट वीडियो वो भी काम कर रहा है, एज वेल जो फोटो है वो भी काम कर रहा है। सो एंड फ्रंट कैमरे की बात करो देखो, बस फ्रंट कैमरे भी काम कर रहा है, कोई भी इशू नहीं है, डिफॉल्ट कैमरा काफी बढ़िया लगा है मुझे। एंड कैमरा टू पे की बात करो, लेवल 3 का सपोर्ट मिल जाता है, इसका मतलब है जो गूगल कैमरा है, जो GCam है, इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर Geekbench के स्कोर की बात, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे। सो बता दूं दोस्तों, जो CorvusOS है बहुत ज्यादा पावरफुल रॉम है, एंड सिंगल कोर के अंदर जो स्कोर मिला है 336, एंड मल्टी कोर के अंदर जो स्कोर मिला है 1331, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया है। एंड देख पाओगे सिंगल कोर के मुकाबले में जो स्टॉक से मिलता है उससे एवरेज से ज्यादा मिला है, एंड जो मल्टी कोर के अंदर हमें स्कोर मिला है वो काफी बढ़िया मिला है, लगभग 200 ज्यादा हमें यहाँ पर स्कोर मिला है। सो मेरे हिसाब से जो मल्टी कोर का परफॉर्मेंस होगा दोस्तों बहुत ही बढ़िया होगा, अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो CorvusOS के अंदर वो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस यहाँ पर CorvusOS के अंदर बहुत ही बढ़िया है। एंड यहाँ पर प्ले स्टोर के अंदर अगर बात करो डिवाइस सर्टिफिकेट का, तो यहाँ पर चलते
एंड जैसे कि आप देख पाओगे प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट के अंदर डिवाइस सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ गया है। इसका मतलब है जो यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है, होपफुली यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन गूगल पे फोन पे इस रॉम के अंदर फर्स्ट क्लास काम करे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए ये रॉम है काफी परफेक्ट रॉम है, कोई भी इशू नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग इज वर्किंग लाइक ए चार्म। एंड नेविगेशन बार, नियर बाई शेयरिंग है, वाईफाई, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, मोबाइल डाटा सब कुछ काम करे। बैटरी लाइफ की बात करूँ, एक्सीलेंट बैटरी बैकअप भाई साहब, बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप है। एंड आपको जो नया एनिमेशन है वो तो मिलते हैं कुछ इस तरह से, देख ही पाओगे ये दोस्तों। नया एनिमेशन लास्ट ऑलरेडी बिल्ड के अंदर ऐड हो चुका था, तो अलग से इस के अंदर कुछ दिखाने के लिए नहीं है, बट ये जो एनिमेशन है नया है, कॉर्वा सीरीज के अंदर पहले हमको दिखने को मिला था। सो काफी स्टेबल बिल्ड है। अगर आपके पास शाओमी का MI2 डिवाइस है तो इस रॉम को जरूर से ट्राई करना, यहाँ पर आपको थीम भी मिल जाएगा दोस्तों। थीम के अंदर अलग से कुछ भी नहीं है, एंड आप यहाँ से अलग अलग थीम्स को अप्लाई कर सकते हो, गूगल डार्क, पीच ब्लैक, चोको एक्स, कॉर्वास क्लियर है, इसे ट्राई करके देखते भाई साहब क्या करता है। ओके, ब्लैक हो गया, कम्प्लीटली ब्लैक कर देता है। एंड अगर आपको एक ब्लैक लवर हो तो ये थीम जो है काफ़ी बढ़िया लगेगा, एंड आई एम श्योर मैं इसे यूज़ करना वाला हूँ इस थीम को एज ए प्राइमरी थीम। एज फॉर नाउ लाइट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो के अंदर मज़ा नहीं आता है। एंड काफ़ी बढ़िया रहा है दोस्तों, इसे आप जरूर से ट्राई करना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन मिल जाएगा। आशा करूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। एंड यहाँ पर आपको शाओमी पार्ट्स भी मिलती है, जहाँ पर आप LED ब्राइटनेस, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन कर सकते हो, शाओमी डोज का ऑप्शन है, थर्मल सेटिंग से परफॉर्मेंस, बैटरी, गेमिंग, एक्सट्रीम बैटरी के लिए MI 7900 के भी ऑप्शन मिल जाती है। बट जो FPS ओवरले का ऑप्शन है वो इस रॉम के अंदर नहीं दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई। बट जिसके साथ आप FPS देख पाओगे, जो कि आपको एवोल्यूशन इसके अंदर देखने को मिलता था, रियल टाइम FPS कितना मिल रहा है उसका ऑप्शन इस पर्टिकुलर बिल्ड के अंदर नहीं दिया गया है। बट कोई बात नहीं भाई साहब, चलता है, इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। एनीवे चलो बाय।